आज हम एक ऐसे लड़ाई की बात करने जा रहे हैं जो समय अंतरिक्ष और कल्पना से परे है, आयरन गॉड वर्सेस गॉड लोकी। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं दो सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों के बीच की लड़ाई को। तो सबसे पहले बात करें आयरन गॉड की, तो आप में से कई लोग आयरन मैन को जानते ही होंगे, लेकिन आयरन गॉड ये एक बिल्कुल नई बात है। टोनी स्टार्क जो की जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक है, वो एक बार कॉमिक्स में अपने आप को कॉस्मिक पावर से जोड़ लेता है जिसके बाद वो बन जाता है आयरन गॉड। अब ये सिर्फ आयरन मैन का सूट नहीं था, टोनी के पास तब तक भगवान जैसी शक्तियाँ थी। सोचिए आयरन मैन का दिमाग और कॉस्मिक शक्तियाँ। टोनी तब लगभग अजय हो गया था। टोनी कॉस्मिक एनर्जी को नियंत्रण करते हुए समय तक को रोक सकता था। उस समय उसकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में था। ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं था जो उसके सामने खड़ा हो सके। यहाँ तक कि अवेंजर्स आर्मी और थानोस आर्मी इसके सामने चींटी की समान है। आयरन गॉड ने कई सारे सेलेस्टियल तक को हराया है। इसके बॉडी को नुकसान पहुँचाना लगभग इम्पॉसिबल है, और मानो किसी ने ऐसा कर भी लिया तो वो कुछ ही टाइम में अपने आप को हील कर लेगा। अब बात करें गॉड लोकी की, जो मिस्चीव का भगवान है। लोकी के पास सदियों से देवताओं जैसी शक्तियां हैं। वो एक जादूगर है जो रूप बदल सकता है, भ्रम पैदा कर सकता है, और उसका दिमाग भी किसी से कम नहीं। लेकिन लोकी की असली ताकत उसकी चालाकी है। वो सीधे लड़ाई में नहीं बल्कि अपनी योजनाओं और धोखा पर भरोसा करता है। और एंड गेम की एक घटना के बाद जब लोकी टीवीए पहुंचा तो वहां पे उसे कई सारी चीजें सीखने को मिली। लोकी वहाँ टाइम कंट्रोल के साथ साथ टेम्परल रूम के बारे में सदियों तक रिसर्च किया है, जिसके बाद वो उसे अच्छे से समझ पाया। और अभी लोकी पूरे मल्टीवर्स के शाखाओं को अपने हाथों से पकड़कर होल्ड करे रखा है, जिससे तुम लोकी की पावर्स का पता लगा सकते हो। अभी मार्वल में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं जो लोकी से टक्कर ले सके। अभी के टाइम पे लोकी मार्वल का भगवान बने बैठा है। लोकी टाइम कंट्रोल कर सकता है, वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर वापस से क्रिएट कर सकता है, और साथ ही वो किसी को भी उसके एडजस्टर से मिटा सकता है। और जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि लोकी के पास क्या क्या पावर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं लोकी के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला। और हाँ, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना। अब इतनी पावर्स होने के बावजूद क्या लोकी आयरन गॉड को मात दे पाएगा, या यहाँ आयरन गॉड बाजी मार जाएगा? लोकी भ्रम फैलाने में आगे है, लेकिन आयरन गॉड अपनी कॉस्मिक पावर की मदद से लोकी के भ्रम को देख सकता है। लेकिन लोकी चालाक है, वो टोनी के अहंकार को निशाना बनाकर उसे गलती करने पे मजबूर कर सकता है। अंत में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आयरन गॉड लोकी की चालों को कितनी अच्छी तरह समझ पाता है। पर ध्यान रहे, लोकी पहले भी कई देवताओं को मात दे चुका है, तो ये लड़ाई किसी भी दिशा में जा सकती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या आयरन गॉड अपनी अद्भुत ताकत से लोकी को हरा पाएगा, या फिर गॉड लोकी अपनी जादुई चालों से बाजी मार लेगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहें।